करते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ हैं ज्ञानेन्द्र तिवारी, दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र हैं और साथ ही साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा ठाकुर हैं। ईशा, आप ही से शुरुआत करूंगी, क्या कुछ आज खबरों के लिहाज से खास? जी बिल्कुल, देखिए सीमा, अगर बात करें खबरों की तो आज एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर मान सरकार को लगा है। जिस तरीके से 2 मई को मान कैबिनेट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस को पास किया गया था 1 MLA 1 पेंशन को लेकर, क्योंकि अगर पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनकी तरफ से 5 से 6 जो पेंशन है वो एक साथ ली जा रही है। तो ऐसे में इसी को लेकर एक बड़ा फैसला मान सरकार की तरफ से लिया गया था और कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी 1 MLA 1 पेंशन को, और उस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने उस ऑर्डिनेंस को वापस भेज दिया है और ये कहा गया है कि आप विधानसभा के सत्र में इसे लेकर आइए और बिल जब पास हो जाए उसके बाद राज्यपाल को भेजिए। तो ऐसे में जब बिल पास होगा उसके बाद राज्यपाल की तरफ से नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें संगरूर लोकसभा उपचुनाव की, आचार संहिता पिछले कल से जारी हो चुकी है। यही वजह है कि जो जून में बजट सत्र होना था मान सरकार का, वो जून में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और नतीजों के बाद ही जो बजट सत्र है वो हो पाएगा। उसके बाद ही जो है 1 MLA 1 पेंशन जो जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दूसरे राज्यों में भी जा रही थी जहां पर चुनाव हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका कह सकते हैं और माना जा रहा है कि जुलाई तक इस संबंध में बिल राज्यपाल को मान सरकार भेज सकती है। इसके साथ ही एक बार फिर से जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है सीमा पंजाब में, वो इसलिए संगरूर लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। संगरूर उपचुनाव लोकसभा का होना है, तो ऐसे में बीते कल ही इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। संगरूर सीट वो सीट है जहाँ पर 2014 से सांसद बने थे भगवंत मान, जो कि इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और 2019 में जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता चुनाव हार गए थे, लोकसभा का एकमात्र सांसद के तौर पर चुनकर संसद तक पहुंचे थे वो है भगवंत मान। उस सीट को उन्होंने छोड़ा क्योंकि उधूरी से चुनाव लड़े और उसके बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और संगरूर में लोकसभा का जो उपचुनाव होगा बिल्कुल बहुत ही कठिन माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव रहने वाला है यहाँ पर और इस पे बहुत से कयास भी लगाए जा सकते हैं। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ज्ञानेन्द्र तिवारी लगातार बने हुए। ज्ञानेन्द्र, क्या कुछ खास खबरों के लिहाज से उत्तराखंड में? देखिए 31 मई को उपचुनाव होना है और खासतौर पे देखा जाए जो चुनाव प्रचार है वो आखिरी दौर में है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो चंपावत में इस दौरान देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज सुबह टनकपुर में जनता के बीच पहुंचे थे और ऐसे में जिस तरीके से अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आए, और ऐसे में तमाम ऐसी बातें उनकी तरफ से की गई और जो विश्वास है जनता का वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो विकास के काम हैं, जो काम अभी तक चंपावत में नहीं हुए हैं उन कामों को वो पूरा करने का संकल्प लेते हैं। इस तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे भाजपा के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने इस दौरान चुनाव प्रचार किया, और कहा यह भी जा रहा है कि 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चंपावत विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तमाम ऐसे भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश के लगातार दौरे पर हैं, हमने ये भी देखा कई कैबिनेट मंत्री इस दौरान वहां डटे हुए हैं, यानी कि पूरी जोर आजमाई से इस सीट को जीतने के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हों या फिर करण मेहरा समेत तमाम जो नेता हैं लगातार वहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए समय काफी कम है, 31 मई को मतदान होने हैं, ऐसे में दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता यहां तक कि मुख्यमंत्री भी अपने लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री 3 बजे के करीब टिहरी पहुंचेंगे,
टिहरी डैम का जो निर्माण था, टिहरी डैम की जो रूपरेखा थी, इसको लेके एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम देखें टिहरी डैम का निर्माण काफ़ी लंबा वक्त लगा था और ऐसे में कई जो गांव थे वो कहीं ना कहीं एक पानी के अंदर समा गए थे और एक देखा जाए तो टिहरी डैम जो पुरानी टिहरी थी, एक यादें थी वो पानी में समा गई थी और ऐसे में आज एक बड़ा कार्यक्रम टिहरी डैम के निर्माण को लेके रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं और उसके ठीक बाद वो कटिमा के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेके जो सरगर्मियां हैं यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं और जिस तरीके से आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लेके एक मंथन है पार्टी कार्यालय में किया जाएगा भाजपा की तरफ से, और खासतौर पे देखा जाए तो जो जानकारियां मिल रही हैं कि 30 मई को भाजपा अपने राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का जो ऐलान है वो कर देगी और देखने वाली बात होगी ज्ञानेंद्र क्या कौन से वो नाम होंगे जो राज्यसभा चुनाव में शामिल होंगे। और चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर, दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र बने हुए। गजेंद्र क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से दिल्ली में? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर लें तो आपको बता दें कि दिल्ली में कल से पटियाला हाउस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जिसके बाद अब दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब दिल्ली को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अलगाववादी नेता के ऊपर टेररिस्ट फंडिंग का मामला चल रहा था उसको देखते हुए कल उनको सजा दी गई है उम्र कैद, उसके बाद दिल्ली अब हाई अलर्ट के ऊपर आ गई है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर काफी जगहों पर चप्पे चप्पे पर अब नजर रखी जाएगी ताकि दिल्ली में किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। बात कर लेते हैं थोड़ी राजनीतिक गलियारों की, तो दिल्ली के नए एलजी दिल्ली को आज मिल जाएंगे। आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह में राजनिवास में आयोजित एक कार्यक्रम में विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के एलजी की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल के साथ साथ न्यायाधीश जितने भी दिल्ली में न्यायाधीश हैं वो और विधानसभा कैबिनेट मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ 500 गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। आज 11 बजे हेलो जी गजेंद्र, आवाज आ रही है आपकी? आज 11 बजे दिल्ली के हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन शांधी उनको एलजी पद की शपथ दिलाएंगे, के बाद दिल्ली को नए एलजी मिल जाएंगे। अगर बात कर ले दिल्ली के तापमान की तो दिल्ली में आज का मौसम एक बार फिर आसमान खुल गया है, दिल्ली वालों को आज फिर से गर्मी थोड़ी परेशान कर सकती है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो आईएमडी की मौसम विभाग की तो दिल्ली में शाम तक बादल छाने की संभावना है। हालांकि आईएमडी का कहना है कि पीछे आने वाले 5 दिनों तक दिल्ली वालों को अधिक गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, धूप छांव का खेल दिल्ली में चलता रहेगा। और अगर दिल्ली में कोविड की बात कर ली जाए तो दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामले 424 पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो दिल्ली में कोविड के 424 मामले दर्ज किए गए हैं, साथ में दिल्ली में 4 मौत भी दर्ज की गई है। ऐसे में अब दिल्ली में एक्टिव केस लगभग 1700 के करीब पहुंच गए हैं। अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर लगातार जोर दिया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, बूस्टर डोज भी लगातार दिल्ली वाले लगा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पे मास्क लगाना अनिवार्य किया हुआ है और साथ में 500 रुपए का दंड भी निर्धारित किया हुआ। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से रहने वाला है और किन किन खबरों पर नेटवर्क 10 के दिन भर नजर रहने वाली है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।